कराची के इलाके शेरशाह में जिले इंतजामिया की लापरवाही से कचरा कुंडियां भरने लगी। कचरे को ठिकाने लगाने के बजाय इसे जला दिया जाता है, जिसका जहरीला धुआं घर, मस्जिद और स्कूल में दाखिल होने से मकीनों की हालत गैर होना शुरू हो गई। मजीद तफसीलात इकबाल सवाती की रिपोर्ट में। कराची की मैशियत को परवान चढ़ाने वाला शेरशाह कचरे के रहमो करम पर जिला इंतजामिया की लापरवाही से कचरा कुंडियों में कचरा ठिकाने लगाने के बजाय जला दिया जाता है। शेरशाह में कचरा कुंडियां भर जाने के बायस मकीन सड़कों और फैक्ट्रियों के बाहर कचरा फेंकने पर मजबूर हो गए। शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता 15 सालों से शेरशाह की यही हालत है, लेकिन जिला इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। शहरियों ने बताया कि कचरा कुंडियां भर जाती हैं तो वहां से कचरा उठाया नहीं जाता, बल्कि उसे वहीं जला दिया जाता है, जिसका जहरीला धुआं अतराफ के घर, मस्जिद और तालीमी इदारों में दाखिल होता है, जिसकी वजह से लोग सांस की बीमारी में मुब्तला होना शुरू हो गए हैं। 10 साल से यहाँ कचरा कुंडी कायम की हुई है और इसके ऊपर पूरा शेरशाह का लोड है, बल्कि मलेरिया का सारा कचरा यहाँ गिरता है। इसका कोई मतलब बादल नहीं है, ना कोई इंतजामिया फिक्र करती है, ना कोई चेयरमैन, ना कोई पूछने वाला कोई। आप लोग कोशिश करें, हम लोग कोशिश करें तो इससे हम लोग बच सकते हैं। ये बीमारियों का जड़ है। ये कोरोना वायरस कहाँ से आ रहा है, ये डेंगू कहाँ से आ रही है, यहीं से तो आ रहा है। अगर हम लोग इस पर तवज्जो नहीं देंगे, आवाम नहीं देगी या कोई और गवर्नमेंट इसके ऊपर काम नहीं करेगा तो इसका कौन जवाबदार है? आप इसकी मेहरबानी, आप इस पर थोड़ा काम करें। यहाँ सफिटेंडरी स्कूल है, यहाँ से कॉलेज की लड़कियाँ बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं। हम लोग तो बोल बोल के हम लोग को करके सब कुछ थक गए, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो इस पर हमारी गवर्नमेंट थोड़ा सा तवज्जो दे, उनकी मेहरबानी है। हम लोग मकीनों ने मेयर कराची से मुतालबा किया कि कचरा साफ करने के बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन कचरा साफ नहीं किया जाता। शेरशाह के मकीनों को कचरे के रहमो करम पर ना छोड़ा जाए और कचरे की सफाई के बेहतर इकदाम किए जाए। हर खबर से अपडेट रहने के लिए खबर सियासी या मुल्क के बहरान की, या हो आपके मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की बात, हम बनेंगे आपकी आवाज़। सब्सक्राइब कीजिए पाकिस्तान के सबसे बड़े वेब टीवी क्विक न्यूज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिले।